सावन के अंतिम सोमवार को संबल के हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे सैकड़ों सिख सैनिकों को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर से हिरासत में ले लिया गया। ये सिख सैनिक विवादित हरिहर मंदिर जाने की जिद पर अड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल स्थित विवादित हरिहर मंदिर प्रतिवर्ष चर्चाओं में आ जाता है, क्योंकि ये मंदिर संबल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित है और लंबे समय से विवादों के घेरे में बना हुआ है, जिसके चलते जिला प्रशासन मंदिर की सुरक्षा को लेकर सचेत रहता है। इस मंदिर पर सावन के सोमवार को जल चढ़ाने के लिए हर साल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जल चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद सेना प्रमुख रामेश्वर दयाल त्रेहा की अगुवाई में इकट्ठा हुए और भोले का जयकारा करते हुए ट्रेन से संबल जाने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पहले से स्टेशन परिसर में पुलिस मौजूद थी। काफी हंगामे के बाद कई दर्जन शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस में चढ़ाकर सबको अस्थायी बनाए गए जेल पहुंचाया गया। आज 500 सिख सैनिक रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से संबल स्थित श्री हरिहर मंदिर को मुक्त कराने एवं जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ज्ञात हो कि हिंदुओं के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा संबल में स्थित श्री हरिहर मंदिर बनाया गया था, जिस पर मुगल आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। ज्ञात हो कि सन 1857 में श्री हरिहर मंदिर हिंदुओं के कब्जे में था। अंग्रेजी शासनकाल में श्री हरिहर मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। वर्तमान में मुस्लिम लोग श्री हरिहर मंदिर पर नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के प्रतीक के रूप में घंटी टंगी हुई है, जंजीर टंगी हुई है, करघा बना हुआ है और पृथ्वीराज चौहान जी की बेटी बेला का डोला मठ के रूप में प्रसिद्ध है। अगर शीघ्र ही मंदिर को मुक्त नहीं किया गया तब पूरे प्रदेश के शिव सैनिक संबल में इकट्ठा होकर मंदिर को मुक्त कराएंगे और उसमें जलाभिषेक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी कुछ सैनिकों द्वारा अभी इससे पहले भी अपना प्रोटेस्ट किया गया था, विरोध किया गया था, उसके बाद में आज एक बार फिर यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ फर्जी शिव सैनिक हैं जो शिवसेना को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके द्वारा भी हर साल क्या ये प्रयास किया जाता है? हाँ, हर साल प्रयास किया जाता है और हम बीच रास्ते में संबल में पहुंच भी चुके हैं। आज यहाँ पर कितने टाइम से आप यहाँ पर खड़े हैं? हम 11 बजे से खड़े।